कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और क्षमा चाहूंगा कि मुझे किसी कारणवश सिरसा से हनुमान लगाना पड़ा और यहाँ पर मैं अदम क्लासेस के नाम से खुद की मेरी कोचिंग चला रहा हूँ। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह हो तो या तो कोचिंग में आके कॉन्टेक्ट कर सकते हो मुझे, या फिर मेरे यूट्यूब चैनल पे लिंक के अंदर मेरा मोबाइल नंबर है, वहाँ पर व्हाट्सएप पे मुझे कोई भी डाउट वगैरह हो वो आप मुझे डाउट्स भेज दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं ऐसे हेल्प टेक्स के रूप में कार्य कर रहा हूँ आपका, और मैं भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। तो गाइस, आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है गोल मेज सिमिलर। कौन सा है? गोल मेज सिमिलर। संवैधानिक विकास करना और प्लस साइमन कमीशन का विरोध, इस वजह से ब्रिटिश सरकार को मजबूरन भारतीय राजनेताओं से, भारत के जो प्रतिनिधि थे उनसे बात करने के लिए तीन गोल मेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो गोल मेज सम्मेलन कितने थे? तीन आयोजन किया गया। तो गाइस, प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोल मेज सम्मेलन, तीन गोल मेज सम्मेलन। अब कौन कौन से प्रथम, द्वितीय और तृतीय? पहला कब हुआ? 12 नवंबर 1930। दूसरा 7 सितंबर 1931। तीसरा 17 नवंबर 1932। कितने गोल मेज सम्मेलन हुए? तीन हुए। पहला कब हुआ? 12 नवंबर 1930। दूसरा कब हुआ? 7 सितंबर 1931। तीसरा कब हुआ? 17 नवंबर 1930 को हुआ। तीन गोल मेज सम्मेलन में स्थान कौन सा था? सेंट जेम्स पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस कहां पर? लंदन में। कहां पर? लंदन में। तीनों पे तीनों एक ही जगह, ठीक है गाइस। अब देखते हैं कि उद्घाटन करना हो, उद्घाटन करना जॉर्ज पंचम, ये इसमें जॉर्ज पंचम कौन थे? ब्रिटिश के सम्राट थे। और इसके बाद में अध्यक्ष कौन था? ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडरमॉट। ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन, यानी कि उसमें अध्यक्ष किसने की थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडरमॉट ने अध्यक्षता की। और पहले गोल मेज सम्मेलन के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया? तो 89 सदस्य। कितने सदस्य थे? 89 सदस्य। दूसरे गोल मेज सम्मेलन के अंदर 21 सदस्य और तीसरे के अंदर 46 सदस्यों ने इस गोल मेज सम्मेलन के अंदर भाग लिया था। और इसके अंदर देखते गाइस क्या क्वेश्चन पुट किया जाता है कि कांग्रेस ने कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, और कांग्रेस की तरफ से कौन थे? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने कौन से गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में। और तीनों में तीनों गोल मेज सम्मेलन जा रहे थे एस पर माने जाते, क्योंकि इनका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा था, तो इस वजह से तीनों गोल मेज सम्मेलन विफल रहे थे। ब्रिटिश सरकार की जो प्रयास थे वो बिल्कुल असफल रहे। और तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लेने वाले उनकी अगर बात करें तो राजनेताओं के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीनों में तीनों गोल मेज सम्मेलन के अंदर। और एक था शासक, यानी कि महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने भी तीनों के तीनों गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। ये कहां से थे? बीकानेर रियासत के शासक थे। कहां से थे? ये बीकानेर रियासत के शासक थे। तो गाइस, अगर यहाँ पर कोई भी डाउट लगे इस टॉपिक से संबंधित, हाँ
इसके बाद में बताऊंगा आपको पूना पे, दिल्ली पे और रेंजे मैकडोनाल्ड का संप्रदाय पंच साल वो अलग से करना होगा। तो गाइस पहला वर्ल्ड एग्जीबिशन कब आयोजित किया गया? 12 नवंबर 1930। जगह कौन सी थी? सेंट जेम्स पैलेस लंदन। उद्घाटन करता जॉर्ज पंचम ये ब्रिटिश के सुनर तत्कालीन सम्राट थे। अध्यक्ष कौन थे? रेंजे मैकडोनाल्ड। कितने सदस्यों ने भाग लिया? 82 सदस्यों ने। दूसरे गोल्डन स्पेलर का आयोजन कब किया गया? तो 7 सितंबर 1931। तीसरे का 17 नवंबर 1932। दूसरे के अंदर कितने सदस्यों ने भाग लिया? 21। कांग्रेस ने कौन से गोल्डन स्पेलर में भाग लिया? तो द्वितीय ने। और तीसरे गोल्डन स्पेलर में कितने सदस्य थे? 46। 46 सदस्यों ने भाग लिया था। इस प्रकार ये तीनों गोल्डन स्पेलर रहे थे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कॉमेंट्स, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।